हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन निखिल स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 12th फिजिक्स और इसका पार्ट 7 है, जो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन एक फिर से दोबारा लेके आया है। डेरिवेशन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक, ये भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो की देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां पे क्लिक करें और हमारे वीडियो को वॉच करें, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने थोड़ी थ्योरी लिख रखी है, जिससे कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। आपको मैं पढ़ के चित्र बना के समझाऊंगा, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। लिखा है, माना हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव ए व बी रखा हुआ है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2L है। जब इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके दोनों आवेशों पर माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू पर F1 व F2 बल कार्य करते हैं, जिससे विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से मैं आपको चित्र बनाऊंगा, जिससे कि आपको सिर्फ चित्र याद रखना है और चित्र को देखकर आप थ्योरी आराम से बना सकते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में इस थ्योरी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारा चित्र देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसके बेस पर आपको मैं चित्र समझाता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। लिखा है, माना हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र है तो हम पहले एक समान हम अपने पास विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। यह हमारे पास एक समान हमने विद्युत क्षेत्र देखो बना लिया है। उसके बाद थोड़ी आगे पढ़ते हैं, जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव ए व बी है रखा हुआ है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यों कूलाम आवेशों से मिलकर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ लिया हमने, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, ये ए है हमारा और ये हमारा बी है। तो हमने क्या करा, एक हमारे पास विद्युत द्विध्रुव ए व बी रखा है, जो माइनस क्यों और प्लस क्यों कूलाम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से हम चल रहे हैं अभी तक। जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है, मतलब कि जिससे हमें पता चले कि इनकी बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2L है। उसके बाद जब इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनके दोनों आवेशों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू पर F1 व F2 बल कार्य करते हैं, मतलब कि ये विद्युत द्विध्रुव है, इसे इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जिस तरफ ये विद्युत क्षेत्र गई है उस दिशा में लाने का जब प्रयास करते हैं, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू जो कूलाम आवेश है इन पर क्या कार्य करता है, बल कार्य करता है। बल किस तरफ कार्य करेगा, ऐसे मैं आपको ब्लू पेन से दिखाता हूँ, जिससे आउटलाइन सही से दिखे। यहाँ पे बल कार्य करेगा, F1 ये है और इसे हमने F2 मान लिया, ये इस तरफ से कार्य करेगा तो ये ऐसे उठेगा, इस तरफ से हमने बल कार्य करा ये इस तरफ, जिससे कि हमें ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ सके। तो माइनस क्यों प्लस क्यों पे क्या कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है। उसके बाद जिससे विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, ये प्रयास करता है। तो हमने क्या करा, इसे हमने ब्लू पेन से यहां तक मिला लिया, जिससे ये एक ट्राइंगल बन गया, जिससे हमें आसान हो। यहां पर हमने एक बिंदु क्या माना, सी मान लिया और इसे हमने थीटा मान लिया, थीटा माना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें सारी चीज मिल चुकी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब इसमें क्या है, लंब हमारा परपेंडिकुलर ये है और कर्ण हमारा हाइपोटेनस ये है। लंब की वैल्यू क्या रखेंगे, हमारे पास वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो हम क्या रखेंगे, जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है उसे रख देंगे। पॉइंट हमारा क्या है, सी बी, और लेकिन हमें ए कण क्या है, कण ये है हमारा, तो ए
और बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2L दे रखी है, तो हम यहाँ पर कर्ण की वैल्यू हम 2L पुट कर देंगे। अब 2L की और साइन थीटा की क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी बी क्या निकल के आया, 2L साइन थीटा। सी बी को इधर ही रहने दिया और 2L को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 2L इधर चला गया, 2L साइन थीटा सी बी, तो हमारा ये क्या निकल गया, 2L साइन थीटा, जिससे कि हमें सी बी की वैल्यू भी मिल गई। साइन थीटा हमने इसलिए लिया, आपने मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में, एक बार यहाँ फिर से दोबारा समझा देता हूँ। अगर हमारे पास इस तरीके का है, ठीक है, और यहाँ पे ई वन है, यहाँ पर ई टू है, और इस तरफ अगर थीटा है, थीटा अगर इस तरफ है, जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ हम कॉस थीटा लेंगे और दूसरी तरफ हम साइन थीटा लेंगे। अगर यही प्रकार, अगर इसी तरीके से हम इस तरफ थीटा बनाते हैं तो हमारा ये नहीं होगा कि कॉस थीटा इधर ही आएगा साइन थीटा, नहीं, जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ हम क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, और जिस तरफ थीटा नहीं होगा उस तरफ हम साइन थीटा लेंगे। तो इस तरीके से हम सही से समझेंगे, हमारा इस तरफ थीटा नहीं था तो साइन थीटा लिया, इस तरफ थीटा था तो कॉस थीटा लिया, इस तरफ यहाँ हमें पे थीटा था इसलिए हमने कॉस थीटा लिया, और यहाँ पे थीटा नहीं था इसलिए हमने साइन थीटा लिया। तो इस चित्र को ध्यान से समझना, बिल्कुल इसी तरीके से हमें थ्योरी में अप्लाई करना है, थ्योरी के बेस पे ही हमने चित्र बनाया है। तो वैसे बोर्ड परीक्षा में सिर्फ आपको इस चित्र को याद करके जाना है और थोड़ा सा हमें यहाँ पर इक्वेशन को समझ के जाना है ये कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑप्शन, एक फॉर्मूला होता है बल युग्म, हम बल युग्म आघूर्ण हम ये निकाल रहे हैं, इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, टो से प्रदर्शित करते हैं, टो, इसे टो बोलते हैं। तो उसके बाद एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर क्या लिखा हमने, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से पढ़ेंगे क्या है, बल युग्म आघूर्ण टो बराबर एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों की लंबवत दूरी। तो हमें एक बल का परिमाण दिया है तो हमने क्या लिखा, टो बराबर एक बल का परिमाण, मतलब परिमाण बोला है तो हमने ये मॉडुलस लगा दिया जिसे प्लस का साइन बना रहे, प्लस परिमाण बोला है इसलिए हमने ये लगा दिया, और दोनों बलों की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी के लिए हमने BC लिया, आप पूछेंगे हमने ये BC क्यों लिया, इसलिए मैं आपको एक बार चित्र दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। एक बार फिर से कह रहा हूं कि एक बल का परिमाण मतलब हमने F ले लिया, लेकिन आपका डाउट ये होगा हमने BC पॉइंट क्यों लिया, इसमें लिखा था दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, हमने यहां से दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या थी, ये निकली थी हमें 2L sin थीटा, तो हमने इसलिए BC लिया क्योंकि इसमें बोला था दोनों बलों की लंबवत दूरी ली, तो हमने एक बल ये रहा एक बल, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमारी क्या निकली थी, 2L sin थीटा। इस तरीके से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने BC इसलिए लिया। अब हम F1 गुणा BC की वैल्यू पुट करेंगे 2L sin थीटा, sin थीटा हमने BC की वैल्यू पुट कर दी। एक फॉर्मूला होता है, समझा दूंगा मैं, E बराबर F बटे क्यू, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, E बराबर F बटे क्यू है, हमें क्या चाहिए, F की वैल्यू चाहिए, तो F बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, F बराबर क्या आ जाएगा, E क्यू आ जाएगा, ये हमारा F का फॉर्मूला हो गया, हमें इसी की जरूरत थी। तो उसके बाद हम वैल्यू पुट रखेंगे, तो बराबर F की वैल्यू क्या रखेंगे, क्यू E इंटू टू एल साइन थीटा, ये हमने टो की वैल्यू रखी। उसके बाद हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम साथ साथ में थोड़ी थ्योरी लिख दें जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के आपका दिमाग का, आपके टैलेंट को समझ सके, इसलिए लिखा हम जानते हैं। एक फॉर्मूला होता है पी बराबर क्यू इंटू टू एल, ये फॉर्मूला तो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, वरना आप हमारे साथ जुड़े रहें आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने देखा यहाँ पे क्यों ई है 2L है, हमें क्या चाहिए, क्यों है 2L, मल्टीप्लाई में तो हम डिजिट अलग कर सकते हैं, तो टो बराबर पी ई साइन थीटा।
थीटा, बिल्कुल हम ये लिख सकते हैं। हमें यही प्रूफ करना था। उसके बाद अगर हम इसे वेक्टर में लिखना चाहें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, टो वेक्टर। अगर वेक्टर की वैल्यू पूछी जाए तो टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। आप ये पूछेंगे साइन थीटा कहाँ गया, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि साइन थीटा कहाँ गया। आप इस तरीके समझिए, अगर ए क्रॉस ए डॉट बी आएगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए बी कॉस थीटा होता है, ये थोड़ा मैथ का है। और अगर ए क्रॉस बी आए तो हमें ए बी साइन थीटा लिखना पड़ेगा। साइन थीटा, क्रॉस में हमें साइन थीटा की यूज होता है, डॉट में हमें कॉस थीटा की यूज होता है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या था, क्रॉस था, तो इसलिए साइन थीटा। ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमने इसे, हमारे पास क्या था, ए बी साइन थीटा, तो हमारे पास ए पी ई साइन थीटा था, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, तो हमने इसे पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर लिख दिया। तो उसके बाद हमें यही प्रूफ भी करना था, टो वेक्टर पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, जो इस तरीके के सवाल भी न्यूमेरिकल पे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूंगा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये हमारे न्यूमेरिकल में हमें सहायता देगा। विद्युत दुर्ध्रुव का जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान जो होगा वो थीटा बराबर 0 होगा, और टो बराबर भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि हमें पता है न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा विद्युत दुर्ध्रुव का न्यूनतम मान, उसके बाद क्वेश्चन देगा तो हमें इसी वैल्यू में पुट करना है। तो इस वैल्यू में पुट करेंगे तो थीटा बराबर 0 रखेंगे तो टो बराबर भी हमें 0 मिलेगा। अगर इसी तरीके से विद्युत दुर्ध्रुव का हमें अधिकतम मान पूछा जाए, अधिकतम मान पूछा जाएगा तो थीटा बराबर हमें 90 रखना है, तो 90 रखेंगे तो टो बराबर हमें पी ई मिलेगा। आप बोलेंगे पी ई में कैसे मिलेगा, अगर हम थीटा बराबर यहाँ पे हम 90 रखेंगे तो साइन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इस तरीके से हमें टो बराबर पी ई मिलेगा, पी ई मिलेगा। तो हमें यही प्रूफ करना था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।